विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। जन विज्ञान के इस अंक में देखिए पान के पत्तों से तेल निकालने की आसान तकनीक विकसित। डी हुलर मशीन ने बदली बाजरा उत्पादकों की किस्मत और मलप्पुरम केरल के ग्रासरूट इनोवेटर सुरेश पीवी ने विकसित की सुपारी की कटाई करने वाली स्वचालित मशीन। पान के पत्तों से निकलने वाला तेल बेहद कीमती होता है, मगर पत्तों की बिक्री खास फायदे का सौदा नहीं है। किसानों के पास पान के पत्तों से तेल निकालने की किफायती तकनीक ना होने की वजह से पान के पत्तों का कोई खास व्यवसायिक लाभ नहीं मिल पाता। हालांकि वैज्ञानिकों ने पान के पत्तों से तेल निकालने के लिए एक किफायती उपकरण विकसित कर लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने पान के पत्तों से तेल को अलग करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। यह आसवन यानी डिस्टिलेशन उपकरण है, जिसमें पान के पत्तों को गर्म कर वाष्प के रूप में तेल निकाला जाता है। मौजूदा उपकरणों की तुलना में इस उपकरण से ऊर्जा की 30% बचत होती है तथा पान के पत्तों से 16% ज्यादा तेल निकलता है तथा अपशिष्ट में कमी आती है। IIT खड़गपुर के प्रोफेसर प्रशांत गुहा के नेतृत्व में कृषि एवं खाद्य इंजीनियरिंग विभाग के अनुसंधानकर्ताओं के समूह ने यह तकनीक विकसित की है। प्रोफेसर गुहा ने बताया कि पान की पत्तियां उगाने वालों के लिए यह उपकरण किफायती है, क्योंकि 10 लीटर यूनिट वाले उपकरण को बनाने की कीमत 10,000 जबकि 20 लीटर यूनिट वाले उपकरण की कीमत महज 20,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि इस उपकरण को छोटे किसान भी आसानी से अपने पास रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर एक व्यक्ति प्रतिदिन 3 पालियों में हर बार 10 से 20 मिलीलीटर तेल निकाल सकते हैं। पान के 100 ml तेल की कीमत गुणवत्ता के आधार पर 6,000 से 10,000 रुपए तक होती है। बता दें कि देश में पान की पत्तियों का सालाना कारोबार 900 करोड़ का है, लेकिन इनमें से 10% पत्तियां रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाती हैं। बहुत कम किसान तेल निकालने का कार्य कर पाते हैं। पान के तेल की दवा, कॉस्मेटिक्स एवं कई अन्य औद्योगिक इस्तेमाल होते हैं। प्रोफेसर गुहा ने कहा कि इस उपकरण के इस्तेमाल में समय की भी 44% बचत होती है। यह तकनीक 20 संस्थाओं को हस्तांतरित की जा चुकी है, साथ ही IIT ने इसका पेटेंट भी फाइल किया है। उत्तराखंड में बाजरा की फसल वैसे तो परंपरागत रूप से उगाई जाती है, लेकिन जब ये तैयार हो जाती है तो अनार से भूसी हटाकर बाजरा अलग करने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। इसके लिए कोई मशीन भी नहीं है और लोग फसल को लकड़ी से कूट कूट कर बाजरा के दाने एकत्र करते हैं। इसमें काफी मेहनत लगती है और इसके बाद भी इस अनाज की अपेक्षित बिक्री नहीं हो पाती। ऐसे में बाजरा की फसल को किसानों के लिए लाभकारी बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यानी CDT ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तारा योजना के तहत बाजरे की फसल को किसानों के लिए लाभकारी बनाने के लिए कई नए प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा विकसित डी हुलर मशीन में कुछ जरूरी सुधार किए तथा उन्हें बाजरा निकालने के अनुकूल बनाया। CTD ने मशीन के डिजाइन में हल्का बदलाव किया है। इस बदलाव से यह मशीन बाजरे की कई किस्मों जैसे फिंगर मिलेट, जिसे दक्षिण में रागी और उत्तराखंड में मडुआ बोलते हैं, बर्नयार्ड मिलेट जिसे उत्तराखंड में झंगोरा बोलते हैं, के लिए उपयुक्त हो गई।
ये दोनों किस्में उत्तराखंड में खूब उगाई जाती हैं। इसके साथ ही सीटीडी ने इन उत्पादों के कई स्नैक्स, बिस्किट एवं कुकीज बनाने भी शुरू किए तथा लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया। इन उत्पादों की बिक्री होने लगी, इससे बाजरे की मांग बढ़ने लगी और किसानों ने इनकी खेती को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। दरअसल बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर है तथा हाल के वर्षों में ऐसे अनाज को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। किसानों के लिए इन्हें उगाना भी आसान है क्योंकि ये कम बारिश में भी हो जाते हैं। संशोधित डी हुलर मशीन प्रति घंटे 100 किलोग्राम बाजरा को भूसी से अलग कर देती है। इससे किसानों का कार्य बेहद आसान हो गया है। भूसी रहित बाजार का मूल्य करीब करीब दोगुना है, जिससे किसानों को भारी फायदा हुआ है। सीटीडी ने एक नेटवर्क तैयार करके किसानों को डी हुलर मशीन से जोड़ा है, जहां किसान अपने अनाज को भूसी रहित करने के लिए आ सकते हैं। यानी किसानों को खुद यह मशीन खरीदना जरूरी नहीं होता है। छोटे किसानों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित यह मॉडल उत्तराखंड में बेहद कारगर रहा है। उत्तराखंड में खेती का कार्य ज्यादातर महिलाओं की अगुवाई में होता है। बाजरा से जुड़ा कार्य भी महिलाएं ही करती थी, इसलिए डी हुलर मशीन से महिलाओं को काफी राहत मिली है, उन्हें अथक परिश्रम से मुक्ति मिली है। कई क्षेत्रों में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर भी बाजरा का उत्पादन एवं प्रसंस्करण का कार्य कर रही हैं। देश में सुपारी उत्पादन और खपत खूब होता है, लेकिन सुपारी की खेती का कार्य आज भी बेहद मुश्किलों भरा है। साल में 3 बार सुपारी के दाने लगते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने में भारी मेहनत लगती है। इसके लिए बेहद कुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए सुपारी उत्पादक किसानों को एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में केरल के ग्रासरूट इनोवेटर सुरेश पीवी ने सुपारी की कटाई करने वाली स्वचालित मशीन विकसित की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केरल के मल्लपुरम इलाके में सुपारी की खेती बहुतायत से होती है। इस इलाके के निवासी सुरेश पीवी वैसे तो महज 9वीं तक पढ़े हैं। पेशे से वह ऑटो चालक हैं तथा खेती बाड़ी के कार्य भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा नवाचार में संलग्न रहते हैं। 2004 में उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट तैयार की थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक बिजली पैदा हो जाती है तथा दर्जनों घरों में यह यूनिट आज भी काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए एक रोपवे भी बनाया। सुपारी किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सुरेश ने एक मशीन तैयार करने की सोची। उन्होंने बिजली चालित एक ऐसी मशीन तैयार की जो सुपारी के ऊंचे पेड़ों में चढ़ जाती है। इस मशीन में एक आदमी भी बैठकर जा सकता है। दरअसल सुपारी में साल में 3 बार दाने लगते हैं, इसलिए किसानों को 3 बार पेड़ पर चढ़कर सुपारी के गुच्छों को काट कर लाना होता है। लेकिन यह प्रयोग ज्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या थी और खासकर जहां सुपारी के पेड़ होते हैं वहां बिजली का कनेक्शन मिलना मुश्किल होता है। इसके बाद उन्होंने पेट्रोल चालित एक ऐसी मशीन बनाई जो स्वचालित है। इसे रिमोट या मोबाइल ऐप के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। यह मशीन महज 3 मिनट में 100 फीट ऊंचे पेड़ से सुपारी की कटाई कर देती है। मशीन में 42 cc का पेट्रोल चालित इंजन है। यह 1 मिनट पेड़ पर चढ़ने में, 1 मिनट कटाई करने में तथा 1 मिनट वापस आने में लेती है। पेड़ पर चढ़ते और उतरते समय मशीन के कटाई उपकरण बंद रहते हैं। कटाई के दौरान इसे पेड़ पर दाएं बाएं घुमाया भी जा सकता है। 1 लीटर पेट्रोल से मशीन 3 घंटे तक कार्य करती है, इसलिए श्रमिकों पर आने वाली लागत में यह मशीन बेहद किफायती है। मशीन का वजन 28 किलोग्राम है। इस मशीन ने सुपारी उत्पादक किसानों का जीवन बेहद आसान बना दिया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने सुरेश पीवी को इस नवाचार के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध है। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस TV अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है।
हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले हफ्ते एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे जन विज्ञान के एक रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।